तुक्कू जी ने पकड़ी रकमा की चोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रकमा तुक्कू जी एक ऐसा कपल है इस वाड़े में जिनको शरण दी गई है, यानी कि तुक्कू जी को शरण दी है। मल्हार राव होलकर ने अपने बेटे की तरह रखा है और बेटे का ही मान दिया है। तो उस बेटे की जो बहू है, जो कि सुनवाई है रकमा, वो अपने आप को वैसा ही समझती है जैसा कि रानी अहिल्या है। अब यहाँ पे तुक्कू जी और रकमा की ऐसी जोड़ी है जो बचपन से ही साथ में आ रही है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि तुक्कू जी अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं। और तुक्कू जी को सब लोगों ने देखा है कि वो कितने नर्म स्वभाव के हैं, कितने प्यार से सबसे बात करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, स्माइल उनके फेस पे रहती है। मगर उससे उल्टा है, रकमा को खुश हमने देखा ही नहीं है। ना हमने पहले देखा था जो बचपन का सीन था, ना हमने अब देखा है जब वो बड़े हो गए हैं। तो क्या तुक्कू जी ने जो चोरी पकड़ी है वो इसी एक्सपीरियंस में से पकड़ी है जो उन्होंने बचपन से रकमा को देखा है कि रकमा कैसी है, कैसे उसके मन में भाव आते हैं, कैसे उनके चेहरे पे भाव आते हैं, क्या इसी वजह से पकड़ी है चोरी, या फिर तुक्कू जी को पहले से पता था कि रकमा कुछ ऐसा करने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रकमा बड़ी खुश है क्योंकि उसने गौतमा के मन में जहर घोल दिया है। किसके खिलाफ? उन्हीं की सुनवाई के खिलाफ, जो है अहिल्या। ये रकमा को लगता है गौतमा के मन में जहर घुला या नहीं घुला, ये तो गौतमा जानती है और हम सब भी जानते हैं। मगर रकमा को इस बात की खुशी है कि मैंने तो कर दिया अपना काम। उसी खुशी में वो बाहर आती है, उनके पति तुक्कू जी उनके इंतजार में वहीं पे खड़े हैं, उनके इंतजार में वहीं खड़े हैं और वहीं पे वो उनको पूछते हैं कि तुमने क्या कहा अंदर जाके। और यहाँ पे पहले से तैयार रकमा, जो औरत के अधिकारों की, औरत के इतने सब जो भाषण उन्होंने दिया, वहीं पे वो रकमा अपने पति को उल्टा जवाब देती हुई दिखती है कि आपको क्या पड़ी है, आपको कहां से इंटरेस्ट हो गया रसोई घर के कामों में, मैंने कभी आपसे पूछा है कि आपके प्रशासन में क्या हो रहा है। उल्टा जवाब देती भी नजर आती है ना, जो इतना अधिकार, इतना सब बातें करती है। तो तुक्कू जी का यहाँ पे जो कहना था बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें तभी समझ लिया था जब तुम्हारे सामने अहिल्या को संदेश आया था दरबार आने का, मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ लिया था कि तुम कुछ करने वाली हो और तुमने वैसा ही कुछ किया होगा। और ये सब चीजें कहां से आती हैं दोस्तों? जलन से आती हैं। इसीलिए तुक्कू जी ने कहा कि रकमा तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा हो गई है, और वो बिल्कुल सही बात है जो समझ चुके हैं तुक्कू जी। मगर समझने से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि रकमा तो कंट्रोल में नहीं है तुक्कू जी के, क्योंकि वो नरम स्वभाव के हैं और वो अपने तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो ये अगर सुधरी हुई रकमा है तुक्कू जी के हिसाब से, तो बिगड़ी हुई रकमा कैसी होगी, क्योंकि तुक्कू जी ने कुछ तो उनको संभाला ही होगा ना। तो मगर दोस्तों ये देख के हैरानी होती है कि जैसे तुक्कू जी का स्वभाव है और रकमा का उससे बिल्कुल उल्टा स्वभाव है, तो ये दोनों के स्वभाव जो टकरा रहे हैं, इसका अंजाम कहीं अहिल्या को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? पहली बार तो ये जो चाल चली है, ये जो उन्होंने चोरी उनकी पकड़ी है तुक्कू जी ने, ये तो उन्होंने तभी पकड़ ली क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रकमा का पता था कि रकमा ऐसा करेगी। मगर आगे अगर उनकी नॉलेज के बिना उसने कुछ किया तो तुक्कू जी क्या करेंगे? जो अहिल्या को इतना मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समझते हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो इस बात का बहुत दुख होगा ना कि उनकी अपनी पत्नी की वजह से अहिल्या के जीवन में रुकावट आई, जबकि वो शुरू से अहिल्या की साइड लेते आ रहे हैं, शुरू से अहिल्या का हौसला बढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अहिल्या जो करती है वो सही करती है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो चोरी पकड़ने का पहला एक्सपीरियंस तुक्कू जी ने किया है रकमा का, क्या आगे भी वो रकमा के प्रति इतने सतर्क रहेंगे कि कहीं वो अहिल्या के इस कामकाज में कोई रुकावट न डाले? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।